हम वास्तु को वास्तु की एनर्जीज के अकॉर्डिंगली समझेंगे कि एक वास्तु में, वास्तु का मतलब चार दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे, ठीक है। इसमें जो तीन चार एनर्जीज होती हैं वो किस तरह से उसको एक्टिवेट करती हैं, ठीक है, वास्तु की एनर्जीज को। तो ईस्ट से हमको मिलती है सोलर एनर्जी, सूर्य से हमें मिलती है सोलर एनर्जी। मान लीजिए कि यहाँ पर पूरी दीवार है, पूरी दीवार है, ईस्ट में पूरा बंद है, तो हमें सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी। फिर नॉर्थ ईस्ट से हमको मिलती है कॉस्मिक एनर्जी, नॉर्थ ईस्ट से हमें मिलती है कॉस्मिक एनर्जी, जिसे प्राणिक ऊर्जा भी कहते हैं, जिसे प्राणिक ऊर्जा भी कहते हैं। और नॉर्थ से हमें मिलती है मैग्नेटिक एनर्जी, नॉर्थ से हमें मिलती है मैग्नेटिक एनर्जी, जिसे हम जैविक ऊर्जा भी कहते हैं, शास्त्रों में जैविक ऊर्जा कहा गया है इसको, ठीक है। ये तीन तरह की ऊर्जा हमें मिलती है, तो उसका जो फ्लक्स बनता है, उसका जो फ्लक्स बनता है वो कॉस्मिक एनर्जी का, यहाँ नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट यूँ चलती है, यूँ बनता है, तो ये यहाँ से एक्टिवेट होती है। और ये क्योंकि जितनी मैग्नेटिक वेव्स हैं, पृथ्वी की जो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो पृथ्वी का ही गुरुत्वा जो जो चुंबकीय जो बनता है, क्षेत्र बनता है, वो यहाँ से होता हुआ और यहाँ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक, जिसे हमें गोल्डन गोल्डन मीन भी कहा गया है, तो पूरा एक ये सर्कल बनता है जिसे गोल्डन रेशो कहा जाता है। गोल्डन, हर चीज़ 2:3 के आकार में है, चाहे वो मैग्नेटिक वेव्स हों जो दिखाई नहीं देती हैं, प्राणिक ऊर्जा हो, चाहे वो जैविक ऊर्जा हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, ये सभी एनर्जीज 2:3 के सिद्धांत को के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। तो हम जब देखें कि मान लीजिए ये पूरा सोलर एनर्जी से बाधित है, ये पूरा एक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बंद है, और ये नॉर्थ फेस, अक्सर ऐसा होता है नॉर्थ फेसिंग घरों में ऐसा होता है, नॉर्थ फेसिंग घरों में ऐसा होता है या साउथ फेसिंग घरों में ऐसा होगा। तो ऐसे केस में नॉर्थ फेसिंग घर में हम क्या करेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर सूर्य की बड़ी तांबे की प्रतिमा लगाएंगे इस दीवार पे, सूर्य की बड़ी तांबे की प्रतिमा, ठीक है, उसको यहाँ पर इस दीवार पे लगाएंगे। और अगर साउथ से खुला है, नॉर्थ से अगर बंद है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो पीछे पीछे की जो बिल्डिंग्स हैं, हम ऐसी जगह पे मकान लेंगे कि जहाँ पीछे जो बिल्डिंग्स हों वो इतनी ऊंची नहीं है। अगर ऊंची हैं तो हम कोशिश ये करें कि इस पे एक और मकान, एक और मंजिल बना के हम ऊपर वाले में शिफ्ट हो जाएं, क्यों, ताकि हमें कॉस्मिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी और सोलर एनर्जी पूरी मिलती रहे, ठीक है। लेकिन 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 जो मैग्नेटिक एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो पृथ्वी के तल से और 21 मीटर तक वो 21 मीटर तक फुल मिलती है, बल्कि 21 मीटर भी बिल्कुल वीक हो जाती है। तो आप देखोगे कि जितने भी मल्टी स्टोरी लेवल पे रहने वाले लोग हैं, जो 10 माले पे रहते हैं, तो 10 माले पे रहने वाले लोग बिल्कुल ऐसे बात करते हैं, बिल्कुल निडर होके, एथरिक एनर्जी होती है, क्योंकि ये आकाशीय ऊर्जा से जुड़े हुए लोग हैं, और बिल्कुल उनको जैसे कुछ, वो कुछ भी बोल सकते हैं और वो किसी भी लेवल की बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको आकाश की ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिलती। हो सकता है वो प्रैक्टिकल ना भी हो, लेकिन वो बड़ी बातें करते हैं, लार्जर देन लाइफ बातें करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा मिल रही है, ये एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, आकाशीय ऊर्जा उनको बहुत ज़्यादा मिल रही है। और जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर तक रहते हैं, इन सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक रहते हैं, इन लोगों को पृथ्वी की मैग्नेटिक ऊर्जा और पृथ्वी की जो अर्थ एनर्जी है, जो ग्राउंड के आसपास होती है, वो ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो ये ग्राउंडेड लोग होते हैं, प्रैक्टिकल लोग होते हैं, और ये मेहनत में विश्वास करते हैं, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।